देहरादून में केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत कामों में मिल रही शिकायतों को लेकर अब नगर निगम शासन को पत्र लिखने जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि अमृत योजना के सभी कामों की मॉनिटरिंग नगर निगम के पास रहे, ताकि शहर में अमृत योजना के कामों को सही तरीके से कराया जा सके। दरअसल शहर में चल रहे अमृत योजना के कामों से भारी अनियमितताएं मिल रही है। ऐसे में अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए अमृत योजना के कामों पर नगर निगम की मॉनिटरिंग जरूरी है। इस प्रस्ताव को अब नगर निगम शासन को भेजने की तैयारी कर रहा है। अमृत योजना और ADP के जितने काम होते थे पहले नगर निगम के माध्यम से होते हैं, हमने पुनः अपने कार्यकारिणी में पास करके हमने शासन को भेजा है कि जैसे इसकी पूर्व की भांति ये नगर निगम में हो, क्योंकि शहर से जुड़ी हुई जो है हमारी विकास कार्य हैं, और ये विकास कार्य जो है अलग अलग विभागों के तालमेल ना होने के वजह से भी कई बार दिक्कतें आती हैं। अभी हमारे नगर निगम के बगल में ही अभी निगम ने सड़क बनाई है और वो 15 दिन बाद खुदनी शुरू हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जितने भी शहर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो नगर निगम के अधीन होंगी, तो इससे विकास कार्यों में भी तेजी आएगी और सरकार का इसमें पैसा भी बचेगा। आपको बता दें कि देहरादून में अमृत योजना के तहत कामों में सीवरेज, पेयजल लाइन, ड्रेनेज और पार्क सहित करीब 37 प्रोजेक्ट है, जिन पर लगभग 218 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल निगम की देखरेख में काम चल रहा है। ऐसे में निगम का कहना है कि अमृत योजना के तहत जो भी काम हो रहे हैं उन पर निगम की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि सभी कामों को सही तरीके से कराया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।